गोरखपुर के मोहद्दीपुर की रहने वाली दृष्टि जायसवाल ने यूपीएससी में 255वीं रैंक हासिल की है। दृष्टि खुद हमारे साथ हैं एबीपी गंगा पर, उनसे बात करते हैं कि कितनी खुशी का मौका और ये सफलता का जो श्रेय है आप किसे देना चाहती हैं। बहुत बहुत बधाई हो दृष्टि आपको। थैंक यू सर। मैं बहुत खुश हूँ और मैं इस सफलता का श्रेय अपने मम्मी पापा और पूरे परिवार और अपने दोस्तों को देना चाहूँगी। और सबने बहुत हेल्प की है, इमोशनली किसी ने इमोशनली सपोर्ट किया है, किसी ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, किसी ने मेरा प्रोत्साहन बढ़ा के सपोर्ट किया है। तो मैं सबको, मेरे पूरे परिवार को इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी। अच्छा, आप कितने अटेम्प्ट आपने दिए थे और ये जो सफलता है, कितना परिश्रम आपको करना पड़ा, कितने घंटे पढ़ाई आपने? सर, ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था और मेरा पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था। और ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट करने के बाद मैं ये प्रिपरेशन कर रही हूँ और तब से ये मेरा अभी इस साल सफलता हासिल हुई है। अच्छा, कितने घंटे रोज आप पढ़ाई करती रहीं? सर, कभी ऐसे काउंट नहीं किया कि कितने घंटे, पर पढ़ने के सिवा और कोई वो नहीं था, चारा नहीं था, ये था कि मुझे करना ही है, तो उस हिसाब से पढ़ाई करती थी मैं। अच्छा, अगर बात करें प्रारंभिक शिक्षा की, तो लोग कहते हैं कि महानगरों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो ज़्यादा तेज होते हैं, गोरखपुर अभी डेवलप कर रहा है काफ़ी, तो क्या लगता है प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई है और जो एक मैसेज होता है जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्या आपके लिए मैसेज? सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं गोरखपुर से हुई है, पहले सेंट जूड स्कूल, फिर डिवाइन पब्लिक स्कूल से मैंने अपना 9th और 12th किया है, और फिर मेरा ग्रेजुएशन महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल दूषण से किया है मैंने। और मेहनत ही है जो इस एग्ज़ाम में सफलता दिला सकता है, हार्डवर्क विद परसिवरेंस ही है जो सफलता दिला सकता है इस एग्ज़ाम में। अच्छा, अगर बात करें, आप बता रही हैं आपने चौथा अटेम्प्ट दिया है, तो आमतौर पर बच्चे पहला दूसरा अटेम्प्ट देते ही हताश हो जाते हैं, तो क्या मैसेज है उनके लिए, क्या कहना चाहते हैं? सर, अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं और इसमें बने रहना है, परसिवरेंस ही है जो आपको आगे ले जाएगा, और खुद ही रियलाइज़ हो जाता है एक दो अटेम्प्ट के बाद कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। और जो प्लेटफॉर्म ये एग्ज़ाम प्रोवाइड करता है लोगों के लिए कुछ करने का, वो एक जज्बा बनाए रखता है दिल में कि हाँ, मुझे करना है ये आगे। क्या मैसेज है युवाओं के लिए? हार्डवर्क और परिवार का प्यार, यही है। अच्छा, श्रेय किसको देना चाहेंगी आप? पिताजी आपके बिजनेसमैन हैं, तो किसे श्रेय देना चाहेंगी? मेरी मम्मी पापा भैया, मेरा पूरा परिवार, मेरे दोस्तों को भी मैं अपना ये श्रेय देना चाहूँगी। दिल्ली में मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे जिन्होंने बहुत सहायता की मेरी, तो इन सबको मैं श्रेय देना चाहूँगी। पिता भी हैं राम शंकर जी, आप बहुत बहुत बधाई हो आपको, और बिटिया की जो सफलता है, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत खुशी हो रही है, खुशी अपार है, और इससे बढ़िया खुशी क्या हो सकता है, यही कहना चाहते हैं, बच्चे फले फूले और आगे बढ़े। बड़ा योगदान होता है जो गार्जियंस होते हैं, अभिभावक का बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चों के आगे बढ़ने में। जी, मैं अभिभावक क्या कर सकता है, अभिभावक तो सिर्फ आपको फाइनेंशियली कर सकता है, बच्चे मेहनत करते हैं, बच्चे आगे बढ़ते हैं, बच्चे की सारी सफलताएं होती है, माँ बाप सिर्फ अपना कर्तव्य कर सकते हैं। सुनीता जी हैं, आप बताइए, बिटिया ने आपकी यूपीएससी में 255वीं रैंक लाई, कितनी खुशी, और एक माँ होने के नाते अंदर से क्या आपके अभी मन में चल रहा है? बहुत खुशी हो रही है सर। शुरू से मैं हंसती थी, हम लोग को लगता था कि हाँ, आगे जाएगी तो कुछ करेगी, तो हम लोग भी ने इसका पूरा सपोर्ट किया, और आज मेहनत रंग लाई है, शब्दों में नहीं कह सकते हैं कितने खुश हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर खुशी आप देख सकते हैं परिवार में, और यही कहना है कि जो कठिन परिश्रम है उसका कोई विकल्प नहीं है, और कठिन परिश्रम के बिना कोई भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। यही वजह है कि आप देख सकते हैं भगवान की शरण में भी यहाँ पर आए, और लोग जो मोहल्ले के लोग हैं यहाँ पर आपको स्वागत करते हुए दिख रहे हैं। तो यही एक मैसेज है यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों का, कि हताश ना हो और कठिन जो परिश्रम है उससे भागे नहीं, और कठिन परिश्रम करें, सफलता जरूर हाथ लगेगी। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।